बिहार के दरभंगा जिला पहुंचे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और राज्यसभा सांसद भी हैं। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के आने के बाद जो किसान हैं उनमें खुशहाली आया है, उनको लगा है कि कोई हमें पूछने के लिए आ रहा है। खासकर बता दें कि मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा दिल्ली मोड़ पर स्थित है, वहां पर वो आए हैं इनके स्वागत के लिए। देख सकते हैं कैसे यहां पर चुस्त पुस्त जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, काफी यहां पर जो व्यवस्था है खासकर आपको देखा गया है, पूरे दरभंगा जिला में जो पुलिस प्रशासन है काफी एक्टिव है। खासकर आपको बता दें उनके स्वागत के लिए जो सभी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, सभी पहुंच गए थे दरभंगा एयरपोर्ट। जब हेलीकॉप्टर से आए थे लगभग 2:20 के करीब दरभंगा पहुंचे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर जो है गेट बनाया गया है, अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, और संवाद लिखा गया है। देख सकते हैं किसानों के साथ जो संवाद है, और यहाँ पर संजय सरावगी जो नगर विधायक हैं, खासकर सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दरभंगा के जो सांसद हैं, मधुबनी के जो सांसद हैं, वो सभी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर स्वागत और सत्कार के लिए। सभी लोगों ने अपने भाषण में जिक्र किया है दरभंगा में और मिथिला में, खासकर जो मखाना अनुसंधान केंद्र है, मखाना की खेती है, इस पर जेपी नड्डा ने क्या कहा है, सुशील मोदी ने क्या कहा है, और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के भाजपा के जो जायसवाल, वो उन्होंने क्या कहा है, वो सभी हम आपको आगे अगले कवरेज में दिखाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कवरेज था ये, और अगले कवरेज में सभी के भाषण को हम सुनाएंगे कि क्या उन्होंने क्या कहा है। विशेष कवरेज देखिए कैसे यहाँ पर दौड़ रहे हैं सभी लोग, गाड़ी रुकते ही सभी लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, और यहाँ पर जेपी नड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अशोक यादव, गोपाल जी ठाकुर, जिवेश मिश्रा जाले से, यहाँ पर देख सकते हैं सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग अब मंच की तरफ जा रहे हैं। अब हम आपको जिला अध्यक्ष बालन झा उनसे सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अपनी ओर से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा दिए गए इस पैकेज के बारे में, इस सहयोग राशि और योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, इसके लिए क्या मतलब? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और कोरोना काल चल रहा है, तो ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि संस्कार पर विश्वास रखते हैं और संगठन पर विश्वास रखते हैं। तो क्योंकि कोरोना काल है और लिमिटेड लोगों का ही कार्यक्रम है जिसमें कृषकों को मुख्य रूप से बुलाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कृषकों को अपना संवाद देंगे, इसीलिए सभी कार्यकर्ता तो लाखों हैं, हजारों हैं, और यह किसी कोई रैली या सभा नहीं, एक आयोजन है जिस सेमिनार कह सकते हैं, जिसमें कृषकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातों को रखेंगे। आपका नाम? पंडाल में भी मीडिया के लोग। आपका नाम? बालेंदु झा, अध्यक्ष भाजयुमो दरभंगा जिला। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मिट्टी बिहार के मिट्टी के लाल आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस मिट्टी पर आए हैं, और आए हैं इसलिए कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो मखान और माछ जो मिथिला की कणकण और मिट्टी में बसा है उसके लिए इतना सारा काम किए हैं कि यहाँ के किसान उद्वेलित है, गाँव गाँव में मखाना का व्यापार चालू हुआ है, गांव गांव में मछली का व्यवसाय बहुत बड़ा है, और आज स्वयं मखाना अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग मिथिला के समस्त लोगों की ओर से, दरभंगा के लोगों की ओर से, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चंदन वंदन और स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे यहाँ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ दरभंगा में जेपी आंदोलन में 20 दिन जेल में थे, और जेल में नहीं थे, यहाँ साइकिल से पूरे दरभंगा में हर घर में ये गए हैं, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक। अध्यक्ष छात्र भी हैं और किसान भी हैं, हम पीएचडी मिथिलावती दरभंगा से कर रहे हैं, और इस साल प्रथम वर्ष हमने मखाना का खेती प्रारंभ किया है। जो वर्तमान में बाढ़ आई थी तो धान को उनका नुकसान हो गया है, लेकिन मखाना को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जिससे यह क्षेत्र बाढ़ इलाका है और यहाँ मखाना की खेती वरदान साबित किसानों के लिए हो सकती है। यहाँ इस बात कृषि पद्धति को चेंज करना है और कुछ इसमें बदलाव करना है, बस यही हम किसानों से कहेंगे कि आप मखाना का खेती प्रारंभ करें। विश्वविद्यालय के अधीन जो पूर्णिया में गोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय है, उसने बिहार गौरव मिथिला मखाना के नाम से चेन्नई में जो कार्यालय है, जो GI रजिस्ट्रेशन देखती है, वहाँ उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया। ये जानकारी आप सबको साझा करनी। मल्लाह हूँ, मल्लाह पेशा से जुड़ा हुआ मखाना एवं मछली। आज हमको अनुभव होता है कि नरेंद्र मोदी जी
भाई नरेंद्र मोदी जी जो कार्यक्रम किए हैं हमारे मलाह समुदाय के लिए बहुत अच्छा किए हैं। दर्शन लगता है कि सूखा हुआ पेड़ में अगर पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर पत्ता हरा भरा हो जाता है, आज हमको वही लग रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने यह काम को किया है। मखाना और मछली मिथिला के परंपरा के से सब सारे देश प्रदेश हर जगह प्रचलित है और जानता है कि मिथिला में जो मखाना का खेती किया जाता है वो मल्लाहों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज के दिन हमको लगता है कि यह खेती धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका कारण है कि कभी बाढ़ आ जाता है और मल्लाहों भाई के पास उतना पूंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी से ब्याज पर लेके काम करता है जो उनको अपना पेट भरने से के अलावे कुछ नहीं हो पाता है। आज तक किसी प्रकार का राइज नहीं किया, इसका मैं कारण है पूंजी के अभाव में। जो आज हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक जैसे बोले हैं कि सूखा हुआ पेड़ में पानी देने से कोनों पेड़ पनपता है, आज हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम हुआ है वो सबसे बेहतरीन काम हुआ है मल्लाहों के लिए। इसलिए हुआ है आए हुए प्रदेश के मेहमानों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर आए थे क्या, बोलने नहीं दिया गया, बोले नहीं क्या हुआ? नहीं नहीं ठीक है, समय कम था इसलिए नहीं, मतलब समय मिला दो किसान को मिला जी। ठीक है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ठीक है, और कहाँ से आए थे? बोलिए अली नगर विधानसभा से आए हैं। आप यहाँ वहाँ उतने दूर से आए थे? हाँ। तो क्या देखने के लिए आए थे या कुछ बोलने के लिए आए थे या कुछ सुनने के लिए आए थे? क्या सुने और क्या मतलब था जी? लेकिन आप क्यों बोलने नहीं दिया गया? जानकारी भी देना था और जो जानकारी देते वो दो हमारे स्वजातीय के बोल चुके हैं, इसलिए अब हम ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि उनके पास समय नहीं था, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इसलिए नहीं बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ साहनी है। आज यहाँ दौड़ा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? हैं, उनका जो दौड़ा हुआ है आज मखानों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उज्ज्वल भविष्य के लिए इनका दौरा हुआ है, बहुत सम्मानित लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, पार्टी के लिए भी और यहाँ के मछुआरा किसान के लिए भी बहुत। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं इस बार, पहला। दूसरी बात है कि अखंड भारत का सपना हो साकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यही मेरी सपना है। बस दो ही बात लेकर के आए थे जी। कहां से आए हैं, क्या करने हैं? विधानसभा दरभंगा जिला में पड़ता है, वहां से 90 में चुनाव भी लड़े हैं। इस बार भी चाहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं और जनसंघ से 69 से मैं राजनीति हूं और जनसंघ सेवा बीजेपी जो बना उसके 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व में भी रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इस बार हम चुनाव लड़ें और ऐसा इस कटआउट को थोड़ा सा आप
हाया घाट के लिए क्या किए और क्या करना चाहते हैं? हाया घाट के लिए अशोक पेपर मिल का जो है दुर्गति उसका सपना साकार हो, 500 एकड़ जमीन है और वो आज तक पड़ा हुआ है, गोद्धा भी मर गया, समझ गए कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि वहाँ का पेपर मिल चालू हो, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी जो माने लॉकडाउन जो हुआ है उसके में गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए, पूरे बिहार का, पूरे बिहार में जी, पूरे बिहार का बिजली बिल माफ होना चाहिए। और क्या क्या है? और कुछ नहीं है, बस दो ही मुद्दा है। हाया घाट में आप रहते हैं, हाया घाट में क्या क्या समस्या है? हाया घाट में समस्या है कि हाया घाट जो है ना, ये रोड जो हाया घाट से दरभंगा आने में तो हाया घाट से लेकर करके आप बड़की पुल में जो है उसको पूरा पुल बना दे यहाँ से वहाँ तक। चलिए बहुत छह महीना जो बंद रहता है रोड वो अवरुद्ध नहीं रहेगा, पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, मीडिया वालों से आग्रह है कि थोड़ा इसको हाईलाइट कर दें।